फैसल, आपका मैं चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम चीज पोटैटो बॉल्स बनाएंगे। चीज पोटैटो बॉल्स को हम ब्रेकफास्ट में, टी टाइम में या कोई भी छोटी मोटी पार्टी हो उसमें बनाकर सर्व कर सकते हैं। इन्हें बनाना भी बहुत आसान है और बहुत कम समय में बन जाती है। तो अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए चीज पोटैटो बॉल्स बनाना शुरू करते हैं। चीज पोटैटो बॉल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं, 5-6 ब्रेड क्रम्स और 50 ग्राम मैंने यहाँ पर मोजरेला चीज लिया, जिनको मैंने इस तरह के टुकड़ों में काट लिया है। ये मोजरेला चीज मैंने घर का बना हुआ यूज किया है, आप इसका वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। हरा धनिया के पत्ते, 2 टेबल स्पून मैदा, आधा छोटी चम्मच चाट मसाला, आधा छोटी चम्मच गर्म मसाला, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच कसूरी मेथी, आधा छोटी चम्मच नमक या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 इंच टुकड़ा अदरक का ग्रेट किया हुआ, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। और फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल लिया है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आलूओं में ये ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। हम इसमें आधा डालेंगे, आधा बॉल्स को रोल करने के लिए रखेंगे। अब इसमें ये चाट मसाला डाल देंगे, चाट मसाला भी हम आधा डालेंगे, आधा ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए रख देंगे। धनिया पाउडर डाल देंगे, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, ग्रेट की हुई अदरक, चिली फ्लेक्स, कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हम थोड़ा सा इस तरह से क्रश करके डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर, सॉरी हरी मिर्च, नमक। अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आलू को हम मैश कर लेंगे अच्छे से और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया और सारी चीज हमने मिक्स कर ली। अब इसमें हम ये धनिया भी डाल देंगे और इनको अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए हमें इसको एक अच्छे से डो के रूप में तैयार करना है। ये हमारा एक डो लगकर तैयार हो चुका है। अब थोड़ा सा हाथ पे हम तेल लेंगे और इसको हम थोड़ा सा चिकना कर लेंगे इस तरह से मसल मसल कर। ये हमने इसको मसल मसल कर थोड़ा सा चिकना कर लिया। अब इससे हम पोटैटो बॉल्स बना लेते हैं। पोटैटो बॉल्स बनाने के लिए पहले हाथ पे हम थोड़ा सा तेल ले लेंगे और हाथ को थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। अब थोड़ा सा हम आलू का मिक्स कर लेंगे और इस तरह से हम इसको थोड़ा सा चपटा कर लेंगे। और एक ये मोजरेला चीज की पीस इसमें इस तरह से दबा देंगे और इसको अच्छे से रोल कर देंगे। ये हमारी बॉल बनकर तैयार हो चुकी है। एक और बना के आपको दिखाती हूँ। इस तरह से इसको बीच में से इस तरह से हम रोल कर देंगे। इस तरह से हम सारी बॉल बना लेंगे। ये सारी बॉल्स हमने बनाकर तैयार कर ली। हमारी 13 बॉल्स बनकर तैयार हुई है। अब इनको हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने के बाद इनको हम फ्राई करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, बॉल्स को मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पर चलने से पहले हम तेल को गर्म होने के लिए रख देते हैं। तेल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम ये जो हमने मैदा लिया है इसका हम पतला घोल तैयार करेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और बिल्कुल गुठलियाँ ख़त्म होने तक इसका हम बिल्कुल पतला घोल तैयार करेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, अगर एक साथ हम पानी डालेंगे तो गुठलियाँ ख़त्म करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते हुए हम पतला घोल तैयार कर लेंगे।
ये मैदे का घोल हमने तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह की पतली रखनी है बिल्कुल। अब हम ये पोटैटो बॉल शेक उठाएंगे और इसमें इसको डिप करेंगे इस तरह से, और इसको फिर हम ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे। ये हमारी बॉल तैयार हो चुकी है, इसको इस साइड रख देंगे। दूसरी बॉल भी इसी तरह से मैदे के घोल में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में लपेट लेंगे। ये सारी बॉल हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये सारी बॉल हमने तैयार कर ली है। अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। हमारा तेल फ्राई करने के लिए गर्म हो चुका है। चेक करने के लिए हम थोड़ा सा आलू इसमें डाल के देखेंगे। आप देख सकते हैं हमारा तेल बिल्कुल परफेक्ट है, आलू हमारा ऊपर तैर के आ रहा है। मैं यहाँ पर डीप फ्राई कर रही हूँ, आप इनको सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। अब एक एक करके हम ये बॉल डाल देंगे इसमें और गैस की फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। एक बार में जितनी बॉल आ जाए उतनी हम डाल देंगे इसमें। और इनको हम इस तरह से पलट पलट कर अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हमारी बॉल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इन्हें अब हम एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाएगा। और ये बची हुई बॉल्स हम इसमें डाल देंगे। इनको भी हम अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये बॉल भी हमारी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। हमारी चीज पोटैटो बॉल्स बनकर तैयार है। आप इन्हें सॉस के साथ या हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व करें। आप इन्हें ब्रेकफास्ट में या टी टाइम में बनाकर खा सकते हैं, या कोई भी छोटी मोटी पार्टी हो उसमें आप बनाकर सर्व कर सकते हैं। इन्हें बनाना भी बहुत आसान है और बहुत कम समय में बन जाती है। आइए मैं आपको एक काट के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं हमारा चीज भी इसमें कितने अच्छे से मेल्ट हुआ है। आप भी घर पर बनाएं, खाएं और अपने कमेंट्स जो भी है मेरे चैनल पर शेयर करें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई होगी। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक बटन को क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी देखने के लिए आपका धन्यवाद।